तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई में पावर क्वेरी। तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम को समझिए। तो बेसिकली प्रॉब्लम आई थी कि हमारे पास दो या तीन डेटा सेट है और लास्ट क्लास मर्ज क्वेरी से डेटा भी किया था। तो इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि इसके कुछ कॉलम के फील्ड अलग है। जैसे कि देखिए प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री, यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट फोर, और यहाँ प्रोडक्ट एट के जगह पे यहाँ पे आप मान लीजिए कि 8.1 हो गया। जैसे कि आप जानते हैं कि मर्ज क्वेरी हम करेंगे तो फील्ड को रीड करता है फिर उसके नीचे डेटा डालता है। अब प्रॉब्लम हो गई ना क्या? अभी एक्सेल फाइल है लेकिन जिसका प्रॉब्लम है वो बोलता है कि मुझे दो डिफरेंट डेटाबेस से लेके आना होता है। तो एक डेटाबेस में कुछ और होता है, एक डेटाबेस में कुछ और होता है, सारे फील्ड नहीं, कुछ फील्ड अलग होते हैं, बट उनका डेटा बिल्कुल वही होता है, लेकिन होता है कि नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो उसको कैसे करेंगे ये हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। और सागर पवार जी आ गए हैं और साथ में हम पावर क्यूरी, पावर स्टेटमेंट, क्यूरी स्टेटमेंट के बारे में भी जानेंगे। सागर पवार जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं स्टार्ट कर ही रहा था कि आप आ गए, एक बार देख लीजिए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली हम मर्ज क्वेरी के बारे में पता कर रहे हैं। तो इससे पहले क्लास में मैंने मर्ज क्वेरी बताया था। मर्ज क्वेरी मतलब क्या हुआ कि जैसे डेटा ओपन क्वेरी की बात कर रहे हैं, कि जैसे डेटा, एक डेटा हमने ले लिया उसी के हमें दूसरा डेटा लेना है। मैं एक बार करके दिखाता हूँ फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ हम गेट डेटा एक्सेल भी कर सकते हैं या फिर हम सीधे यहाँ ब्लैंक क्वेरी पे भी जा सकते हैं। ब्लैंक क्वेरी से क्या होगा, मेरा पावर क्वेरी ओपन हो जाएगा। ना मुझे पावर क्वेरी के लिए डेटा सिलेक्ट करके फिर ट्रांसपोज करना पड़ता तो ये जल्दी हो गया। सोर्स में आया, एक्सेल पे गया और हमने यहाँ पे पावर क्वेरी वाली फाइल को सिलेक्ट कर लिया। और मैंने यहाँ पे जो है जैन, फेब, मार्च तीनों का डेटा ले लिया, तीनों मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दिया। तीनों आ गया। एक क्वेरी वन को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, अब प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे एक नई क्वेरी बनानी है, उसमें जैन, फेब, मार्च तीनों का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डालना है, बात समझे? तो जैन में तो नेम सेम है, ऊपर हेडिंग हमारा सेम है, मार्च में भी हमारा सेम है, जैन और मार्च बिल्कुल सेम है। चलिए पहले जैन और मार्च को कंबाइन करते हैं। यहाँ आप नहीं अपन क्वेरी नहीं चलाएंगे, अपन क्वेरी चलाएंगे तो इसी को ओवरराइड कर देगा, इसको कैंसिल करते हैं। हम यहाँ पे अपन क्वेरी विथ न्यू करेंगे, और यहां पे हम टू टेबल करना है। तो जैन हमारा प्राइमरी है और सेकेंडरी हमने बोला कि हमारा मार्च। तो एक नई क्यूरी अपेंड वन के नाम से, इसको आप रिनेम भी कर सकते हैं, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, मान लीजिए डेटा आ गया। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अब मैं अगर फैब को अपेंड करता हूं तो फैब मेरा अपेंड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कुछ फील्ड अलग है। अपेंड होगा तो दिक्कत होगी, वो डेटा रिमूव कर देगा। एक बार करके दिखाता हूं, ठीक है? इसमें अपेंड और हमने बोला कि डेटा तो हमारा ही है, इसमें फैब को अपेंड करना है। तो
P8, P9 है गया, P9 हो गया, तो एक दिख रहा है कॉलम, इन्होंने एक अलग, इसको इसने एक अलग कॉलम ऐड कर दिया और जैन फैब में नहीं डाला, लेकिन नीचे आप देखेंगे फैब का यहाँ डाल दिया। लेकिन ये इसके नीचे आना चाहिए था, जो 4 है उसके नीचे आना चाहिए। गलत, इसमें गलती क्या है सर? तो ये डेटा गलत हो गया, हमें जो चाहिए वैसा नहीं हुआ, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम यहां जा रहे हैं फैब में, हम इसके फिल नेम को यहां इजीली चेंज कर सकते हैं। हम डेटा नहीं चेंज करेंगे, हम यहां भी यहीं पे P/4 कर देते हैं। हम इस तरह की कॉलम की हेडिंग को चेंज कर सकते हैं ना सर? तो एग्जांपल बताने का प्रोसीजर यही हुआ कि कल आधा घंटा एक बंदा मथा चाट गया फोन पे इस चीज के लिए, तो मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम आप लोगों की भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको आज बताना सही समझा। अब दोनों नेम सेम हो गया, अब मुझे इसमें अपेंड करना है। तो अपेंड करने के लिए एक तो यहां से हम अपेंड क्यूरी चला ही सकते हैं, या दूसरा आप यहां दिख रहा है आपको क्यूरी स्टेटमेंट टेबल डॉट कंबाइन कौन सा जैन, तो इसी के बीच में हम फैब डाल देते हैं क्या? एंटर प्रेस करते आ गया, मैं मर्ज हो गया यहां पे, क्या बोल रहे हैं सर? ये जो हमने किया दिस स्टेटमेंट, इसको अलग से देखने के लिए आप व्यू पे जाएंगे और क्यूरी एडवांस एडिटर पे जाएंगे तो इसका क्यूरी एडिटर पता चल जाएगा। लेट और इन होता है, लेट सोर्स टेबल कंबाइन, टेबल कंबाइन फंक्शन हुआ, और जैन फैब मार्च क्या हुआ इसका? स्टेटमेंट क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे इसको वापस दिलाना है तो इन सोर्स, अब सोर्स के जगह पे जो नहीं ये सोर्स फिक्स है, ये डेटा टाइप होता है, मैं इसके जगह पे डीटी भी कर सकता हूं और यहां सोर्स पे डीटी कर दीजिए, एरर होगा तो यहां डीटी होगा, यहां दिख जाएगा, नहीं एरर है तो कोई बात नहीं। तो ये डेटा एक क्यूरी कमांड होता है। डीटी क्या हो गया सर? क्या डीटी डेटा टाइप हो, डेटा वेरिएबल हो गया ना, जैसे हम मैथमेटिक्स में कहते हैं ना एक्स वाई एक्स एक्स इक्वल टू 100, सपोज एक्स करेक्ट, तो यहाँ हम ले सकते हैं। अब दूसरी बात है कि क्यूरियस स्टेटमेंट ऐसे लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे एडवांस एडिटर में आइए तो यहाँ पे आपको इसका क्यूरियस स्टेटमेंट दिख जाएगा, जैसे सोर्स एक्सेल वर्कबुक फाइल कंटेन फाइल का पूरा नेम, और यहाँ पे आता है नल और ट्रू होता है, तो ए हो गया, उसके बाद नल एंड टू, उसके बाद जैन सीट सोर्स जैन टाइम सीट एंड डेटा, क्योंकि सीट भी लेना होता है ना, उसके बाद यहाँ पे हीडर को प्रमोट किया, डेटा टाइप चेंज किया, उसका पूरा दिया हुआ। अब मान लीजिए कि मैं इनको डिलीट या इसको डिलीट कर दिया, देखिए आप एक बार मैं इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके आ रहा है ना बेटा, तो एरर, ये जो कॉमा है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और चेंज टाइप में हम यहाँ पे जैसे आप इस पे मैं कर देता हूँ डेटा ऑलरेडी है इसे डीटी कर देता हूँ डीटी, और यहाँ इन में मैं डीटी डाल दिया सर। तो आप जो यहाँ सोर्स में जाके डेटा को लेके आते हैं जगह पे आप इसको भी डाल सकते, ठीक है सर? ये हो गया आपका डीटी एक्सेल वर्कबुक फाइल कंटेन, इसमें आगे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्सेल वर्कबुक नल, ये होता है नलेबल लॉजिकल एंड आइडल टाइप, दो देना होता है ट्रू ट्रू, उसके बाद इसमें से कौन सा सीट चाहिए ये आपको यहाँ पे सीट, अगर मान लीजिए अगर मैं सीट का रेफरेंस यहाँ नहीं दिया सीट का रेफरेंस नहीं दिया तो यहां आपको तब क्या होगा, तब मैं यहां डन करता हूं,
कुछ समझ में आया आपको? अच्छा, ये पूरा उठा लिया, पूरा वर्क बुक का। तो अगर हम सीट का रेफरेंस नहीं देंगे तो पूरा का पूरा वर्कबुक उठा लेगा, उसके अंदर जितने भी सीट लिस्ट है वो ले लेगा। तो ये एडवांस रीडर में इस चीज को जाके आप दे सकते हैं, ठीक है? मैं इसको एक बार इसको कट करता हूं, कैंसल, और जैन में आता हूं और यहाँ पे एडवांस रीडर, यहाँ पे उसको हम पेस्ट करते हैं, लेकिन मार्च की जगह पे यहाँ हम देंगे जैन, जैन अंडरस्कोर सीट आइटम, आइटम में यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैन नाम, टाइम सीट और डेटा। अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगाना, सोर्स और नॉर्मल रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें यह ध्यान रखिएगा केस सेंसिटिव भी होता है। ये तो सब चीज सही है, कहीं पे दिक्कत, छोटी सी दिक्कत कहीं पे हुआ है। आइटम जैन, जैन उसको जो स्लीप सोर्स सी। अच्छा, ओके ओके, यहाँ यहाँ था, हमें डीटी करना चाहिए था, तो यहाँ पे हमारा डीटी नहीं था, सोर्स था। तो आपको इसको सीखने के लिए इस तरह के यूज करेंगे तो शुरुआती में, जैसे हम बीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग में शुरुआती में हम करते हैं कि हम पहले रिकॉर्डिंग मैक्रो करते हैं, फिर उसको सीखते हैं। तो इसके लिए आपको पहले यही करना पड़ेगा कि आप पहले एक एक चीज को इस तरह से पहले देखें, फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करें, तो आपको आएगा, पता चलेगा कि हाँ आखिर ये कैसे कर रहा है। ठीक है सागर जी, शुरुआत में इस तरह सीखेंगे तो बेटर रहेगा। जैसे कि अभी आपने सीख लिया कि किसी एक्सेल फाइल को, अब एक्सेल फाइल को हम कैसे लेके आते हैं, ठीक है? Yes. तो यहाँ पे अपना सोर्स देना है, एक्सेल वर्कबुक फाइल आपको टाइप बोलेंगे, ये सब टाइप करना पड़ेगा? नहीं नहीं टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे लिखेंगे ना, जैसे मैं लिख दिया F इक्वल टू एक्सेल डॉट, यहाँ पे इसी पे आपको एक्सेल वर्कबुक आ गया, ब्रैकेट
ब्रैकेट में जैसे हम फाइल लिखेंगे, आपके यहाँ पे फाइल कंटेंट्स दिख जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए, पाथ दीजिए, समझे। और सर एक्सेल वर्कबुक में जैसे आप मान लीजिए कि आप सीवी सीएसवी करना चाहते हैं तो सीएसवी डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ भी आपको फाइल कंटेंट्स, पाथ, फिर सेपरेट किससे करना है वो देना है, समझे। आप फिर यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में सोर्स देना है आपको, इसमें क्या बोलते हैं डेलिमिटेड, वो भी इसकी कैप्स, एक पहला कैप्स होना चाहिए डेलिमिटर्स कॉमा इस तरह से। और फिर यहाँ पे आपका आता है कोडिंग, इस तरह से आप देते हैं। तो आप जो है पहले क्या करें, जितने भी फाइल की इंपोर्टिंग है, जैसे एक्सेल हो गया, सीएसवी हो गया, टेक्स्ट हो गया, एक्सेल वर्कबुक हो गया, इनकी इंपोर्टिंग पहले आप सीख लें, ठीक है सर। फिर हम इसको वन बाय वन आगे चीजें दिखाएंगे। उसके अलावा इसमें फंक्शन भी होता है, कॉलम में हम कुछ चेंज करते हैं तो इसका कैलकुलेशन भी होती है। जैसे मान लीजिए ना डेटा में ही है तो लास्ट में मुझे टोटल का कॉलम ऐड करना है, तो यहाँ ऐड कॉलम में यहाँ आपका कस्टम कॉलम आता है। अब कस्टम कॉलम पे मैं नाम दे दिया कि भाई टोटल। एक तो होती है इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि आपने पावर बीआई में किया था, समझे। जैसे कोई एरर आएगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, और क्या एरर है वो पता चल जाएगा आपको, तो कल से आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप जो है वो कर लीजिए, आपको कि वो इसमें भी वो चीज ऐड होगी, जैसे कि आप देखिए अब इसकी एक्यूरी में देखिए ना, जो वहां पे आपने ऐड किया, और आप व्यू करके इसकी अगर एडवांस क्यूरी देखेंगे, याद दिख गया आपको सर, डीटी डॉट कंबाइन यहाँ आ गया, कॉलम एडेड, कॉलम एडेड कस्टम। अब यहाँ पे कस्टम के जगह पे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है सोर्स टाइप है, जैसे मैं यहाँ डीटी किया हुआ है। एड कॉलम किसमें करना है, डीटी में। नाम क्या है यहाँ पे टोटल, इच मतलब ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हो, ठीक है सर। तो डायरेक्ट हम यहां से भी लिख सकते हैं। उसके बाद इन क्या करना, शो क्या करना है, तो एडेड कस्टम को शो करना है। अब एडेड कस्टम की जगह पे हम कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है, इसको कीजिए, कल मिलते हैं सेम टाइम।